चलो यार, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो मैं जल्दी से जल्दी बता दूं कि आपको ये मूवी देखनी भी है या नहीं। लेकिन अगर आप लोग एक स्पाइडरमैन के फैन हो तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को देखोगे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी के भी रिव्यू से। लेकिन अगर आप लोग एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो डेफिनेटली आप लोग रिव्यू सुनोगे। तो यार एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्पाइडरमैन की अब तक की ये वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज में से एक है। हालांकि इससे पहले मुझे टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 2 लगती थी, लेकिन अब टॉम हॉलैंड की ये अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। और मूवी की कहानी एग्जैक्ट वहीं से शुरू होती है जहाँ पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ख़त्म हुई थी, यानी कि मिस्टोरियो ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी यानी कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। तो उसके बाद पीटर पार्कर यानी कि अपने टॉम हॉलैंड की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, और चाहे वो विलन हो, चाहे वो साइड कैरेक्टर हो, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो, सबका अपना अपना स्क्रीन टाइम दिया और हर एक कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से बताया कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मूवी में अगर इमोशनल पार्ट्स की बात करो तो अगर आप लोग एक स्पाइडरमैन के दीवाने हो तो भाई आपके आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे, तो उसलिए भाई आपको रुमाल लेकर जाना पड़ेगा। और मूवी में जो इमोशनल पार्ट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखे गए, और वही कहीं ना कहीं इस मूवी की पूरी मेन जान लगती है। अगर स्टोरी की बात करो तो देखो स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि भाई जब से स्पाइडरमैन का टीज़र आया था, फिर ट्रेलर आया, तो बहुत सारी फ़ैन थ्योरीज आई। तो अब इतनी सारी फ़ैन थ्योरीज आएगी तो किसी ना किसी की फ़ैन थ्योरीज तो सही होगी ना, तो इस वजह से मूवी का जो प्लॉट है काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल लगता है। इनफैक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रिडिक्टेबल लगता है, लेकिन फिर भी मूवी को इतना इंटरेस्टिंग रखा है कि वो प्रिडिक्टेबली होने के बावजूद भी मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। मूवी में अगर एक्शन की बात करो तो हर एक एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया है, मज़ा आ गया CGI देखकर, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने को मिलता है। वो किसके साथ है वो तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। देखो यार, स्पॉयलर्स की वजह से मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आपके जो जो अरमान थे, जो जो आप लोग चाहते थे, तो वो ज़रूर पूरे होने वाले हैं। यकीन मानो भाई, मतलब ये एक सपने साकार होने के जैसा है। सीरियसली अगर आप लोग, भाई मैंने तो यार मेरे मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, और मैं तो हमेशा बदनाम हूँ स्पॉयलर्स देने के लिए, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके अलावा मूवी में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, ये लोग उन एक्टर्स में से है कि जो बने ही है इस पर्टिकुलर रोल को निभाने के लिए। और उसके अलावा मूवी के अगर मिड क्रेडिट सीन की बात करो तो यार वो देख कर खुशी भी होती है, थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि उसको लेकर भी काफ़ी थियरीज आई थी। लेकिन यार अब मैं जाने दो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओवरऑल ये एक ऐसी मूवी जो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा देने वाली है। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूँगा कि मूवी में आपको कुछ भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा। अरे यार, स्पाइडरमैन की मूवी यार, एडल्ट क्या हो सकता है। हाँ, एंड में किसिंग सीन देखने को मिलता है, जो कि आप लोग थोड़ा बहुत तो खुद समझदार हो यार। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। 10 out of 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। इससे पहले अगर किसी की बेस्ट थी तो भाई वो थी टोबी मैग्वायर की और अपने एंड्रू गारफील्ड की। दोनों की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन टॉम हॉलैंड की अब तक की ये सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। तो भाई जाओ देखो, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और आप लोग ये मूवी कब जाओगे देखने के लिए, और ये क्यों जाओगे, और किस वजह जाओगे देखने के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल देन बाय।